नमस्कार दोस्तों, आज ब्लॉग थोड़ा चलते चलते सूट हो रहा है। सुबह नींद नहीं खुली, करीब 7 बजे नींद खुली और अर्ली मॉर्निंग जाना था कहीं, तो निकल गया घर से, इतना समय मिल नहीं पाया तो चलते चलते सूट कर रहा हूँ। काफ़ी प्यारा मौसम बना हुआ है सुबह का। और क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की और देखते हैं दिन भर क्या क्या हो सकता है और मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हम लोग पहुँचे हैं पदमपुरी के आसपास में मटियाल में और रोड पर डामरीकरण की वजह से जाम लग गया है। काफ़ी देर से जाम लगा हुआ है, बहुत सी बड़ी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, छोटी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। पूरा जाम लगा हुआ है, पता नहीं कब से जाम लगा हुआ है यहाँ पे। बड़े बड़े ट्रक डंपर सारे फंसे हुए हैं और हम भी फंस गए हैं। अब देखते हैं कितना समय लगता है जाम खुलने में। डामरीकरण हो रहा है रोड पर नया, तो इस चक्कर से जाम लग रहा है। एकदम जंगल के बीच में है ये जगह। दोस्तों, जाम से निकलने के बाद हम पहुंचने वाले हैं चाफी पुल पे और जो कल बारिश हुई है उससे काफ़ी बढ़िया हुआ है माहौल। पेड़ पौधों में भी बढ़िया जान लग रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह के समय में मौसम। तो चाफी पुल के पास हम लोग पहुंच गए हैं। दोस्तों, सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं सलाड़ी पे और हिल्स भी जो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है वहाँ पे नाश्ता वगैरह कुछ कर लेते हैं। घर से जब निकलते हैं मॉर्निंग 7:30-8 बजे तो उस समय बिना नाश्ता किए हुए घर से हम तुरंत सुबह निकल गए थे, पर अभी पहुँच गए हैं। करीब 10:30 बजे का समय हो रहा है, हम 1 घंटा वहाँ पर जाम पर फंसे रह गए। अगर जाम पर नहीं फंसे रहते हम टाइम से यहाँ पर पहुँच के खाना वाना खा के चल गए होते हल्द्वानी के लिए। तो रेस्टोरेंट तो ये मैंने बहुत बार आपको दिखाया है, जब भी हल्द्वानी को जाता हूँ यहाँ पर रुकते हैं, आपको दिखाते रहता हूँ। तो नाश्ता करते हैं, निकलते हैं। दोस्तों, रेस्टोरेंट से अंदर देखिए आज क्या गजब का व्यू देखने को मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया ग्रीन व्यू देखने को मिल रहा है, देखिए मज़ा आ गया सुबह सुबह यह व्यू देख के। इसके बाद यह पहाड़ भी देखने बंद हो जाएंगे क्योंकि प्लेन्स की तरह हम पहुँच जाएंगे। तो नाश्ता करते हैं फिर चलेंगे अपने सफ़र में। तो दोस्तों, हम चलते चलते पहुँच गए हैं अभी रानीबाग पुल के पास में और रानीबाग पुल पर चल रहा है पुल का नया निर्माण कार्य और जिस चक्कर से जाम लग रहा है। आगे पीछे लाइन में एक एक करके गाड़ियाँ निकल रही हैं, एक एक करके एक तरफ की गाड़ियाँ पहले जाने दे रहे हैं। तो ये देखिए, पहले यहाँ पर भूस्खलन हो गया था, काफ़ी ऊपर से पहाड़ गिर गया था, मिट्टी काफ़ी गिरी हुई थी। तो धीरे धीरे पुल का भी यहाँ पर नया निर्माण कार्य हो रहा है जिससे पुल एक बार में मजबूत बन जाएगा। देखिए सामने की तरफ तो लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है काम, फिनिशिंग की ओर है। ऊपर चादरें बिछाई जा रही हैं मोटी, उस पर JCB भी गई हुई है ऊपर, देखिए। तो ये कार्य कंप्लीट होते ही तो रास्ता चालू हो जाएगा दूसरा वाला। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और अभी जहां पर आए हुए हैं नैनी ट्रेडर्स, इसकी वीडियो मैंने पहले आपको भी दिखाई हुई थी। यहां से जो ईंटा ले गया था मैं घर के लिए, तो फिर वहीं पर आए हुए हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट के लिए सरिया बुक करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए। देखिए पास में पूरा भंडार है सरियों का और इस तरफ पूरे सीमेंट का ढेर है। देखिए अंदर गोदाम में भी पूरा सीमेंट भरा पड़ा है, बाहर भी सीमेंट लगा हुआ है और सामने ईंटों का भंडार। तो काठ गोदाम के पास में शॉप है इनकी, नैनी ट्रेडर्स नाम है शॉप का। तो यहाँ आए हुए हैं, इनके लिए लेके आए हैं बाल्टी में काफल भी अपने घर से, पहाड़ों के टेस्टी रसीले काफल। तो चलते हैं अंदर, काफल वाफल इनको देते हैं और अपना जो सरिया हमने बुक करवाने हैं साइट के लिए वो सरिया बुक करवा। भाई लोग तो बैठे हुए हैं अंदर, मैं थोड़ा बाहर इधर उधर घूम रहा हूँ और गर्मी थोड़ी सी है यहाँ पे, लगभग 32 डिग्री टेम्परेचर अभी शो कर रहा है। तो मौसम भी अच्छी यहाँ थोड़ा गर्म है। तो भाई लोग अंदर करते हैं अपनी जो भी उन्होंने करना है साइटों के लिए, सामान बुक करना है, सीमेंट बुक करना है, सरिया बुक करनी है, ऑर्डर करनी है, वो सारा ऑर्डर करते हैं। तो तब तक मैं थोड़ा बाहर घूम लेता हूँ। बाकी थोड़े बहुत पहाड़ भी दिख रहे हैं यहाँ से, देखिए पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियाँ दिख रही हैं। बहुत बड़ी शॉप है काठ गोदाम के पास में, सारा मटेरियल यहाँ पर मिल जाता है। सीमेंट आपको मिल जाएगा, देखिए आपको सरिया मिल जाएगा यहाँ पर और ईंटा मिल जाएंगी, पूरा भंडार पड़ा हुआ है। तो देखते हैं कितना समय लगता है। उनको काफल भी हमने दे दिए, के लिए काफल भी लाए हुए थे, सारा मटेरियल हमारा यहीं से आता है। तो एक भाईचारा, एक संबंध वाली बातें होती हैं। तो हमारे पास जो था टेस्टी फल, रसीले फल पहाड़ों के, वो उनके लिए लेके आए हैं। जब इनके पास कुछ फ्रूट्स होते हैं, जैसे गर्मियों के सीज़न में यहाँ कुछ फ्रूट्स होते हैं, ये भी हमारे लिए घर पे भिजवा देते हैं। तो ये सब चलते रहता है, इंसान ने हमने संबंध बना के चलना चाहिए। तो देखते हैं कितना समय लगता है यहाँ।
दोस्तों फैन, अभी हम हैं हल्द्वानी गोलापार बाईपास के यहाँ पे, यानी कि पीछे मेरी है बरेली रोड। तो यहाँ पे हम सामने है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, सामने है ये MR ट्रेडर्स। तो इनके यहाँ जो गार्डन में टाइल वाइल बिछाई जाती हैं, या फर्श जो घरों पे या पेट्रोल पंप पे फर्श पे टाइल वगैरह बिछाई जाती है, तो उनको देखने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे पीछे है बरेली रोड, और जो जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ ये है गोलापार बाईपास बरेली रोड के। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के टाइल्स यहाँ हैं। आप लोगों ने देखी होंगी पेट्रोल पंप या घरों पे, आंगन पे, फर्श पे इनको बिछाते हैं। तो हम भी अपने घर के लिए देखने के लिए आए हुए हैं इन टाइलों को। अमित भाई ललन जी हैं सामने में, देखते हैं पता करते हैं क्या रेटों में मिल रहा है, एक पीस कितने का मिल रहा है, एक पीस कितने रुपए का मिलता है, वो सब चेक करते हैं। पास में एक आम का भी पेड़ लगा हुआ है, और आम काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं। आम को देख के मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आम होते नहीं हैं, आम खाने का बहुत शौक है। और अंदर की तरफ है इनका कारखाना, जहाँ ये सारी टाइल्स बन रही हैं। लगभग 12 रुपए का एक पीस यहाँ पर मिल रहा है। तो अंदर उनने सैंपल रखे हुए हैं प्लास्टिक के कुछ, जो जिसमें आकार दिया जा रहा है उनको, तो उसमें फिर मसाला बन रहे हैं। साथ में वाइब्रेटर से लाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स होके इस प्रकार की टाइलों का लुक यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो लगभग 12.5 रुपये एक पीस ही देर मिल रहा है, एक पीस 12.5 का। आप देखते हैं क्या हमें लगाता है वो। लगभग 1000 स्क्वायर फीट के लिए हमें चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए हमें चाहिए। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लगभग 40 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है अभी। फाइनली दोस्तों यहाँ से निकलने का समय हो चुका है, गाड़ी भी हमारी आ गई है, जिसमें ये सारी हमारी टाइल्स आएंगी घर पे। 2000 ग्रे टाइल हैं, 1000 रेड वाली टाइल हैं जो सामने में आपको दिख रहे हैं। लगभग 12 रुपए का एक पीस हमें यहाँ पे मिला है। गाड़ी में मटेरियल लद के आ जाएगा हमारे घर पे, जहाँ से हम पैदल जाते हैं उस रास्ते पर। तो निकलते हैं यहाँ से हल्द्वानी मार्केट के लिए। बाकी गर्मी नेक्स्ट लेवल है यहाँ पर। अभी टेम्परेचर लगभग 41 डिग्री शो हो रहा है, और बरेली वाली रोड है, बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं इस रोड से। देखिए काफ़ी बिजी रोड है, बहुत ट्रैफिक है इस रोड पे। सामने रही हमारी कार। तो हल्द्वानी की इस कड़कती धूप में अभी हम पहुंचे हैं स्टेशन, जो बस स्टेशन है उसके पास में दीक्षा बुक सेलर एक शॉप है, वहाँ पे कुछ बच्चों की किताबें हैं वो देखने के लिए आए हुए हैं। बाकी आसपास का माहौल देखिए आप लोग, शहरों का माहौल ऐसा ही होता है, बट गर्मियों के दिनों में कतई मज़ा नहीं है शहरों में ना। यहाँ के पानी में भी वो स्वाद नहीं लगता है जो हमारे पहाड़ों के पानी में होता है, उसकी अलग ही, उससे अलग ही प्यास बुझती है। यहाँ का पानी कितना ही पी लो, उससे प्यास नहीं बुझती है हमारी। तो भाई लोग गए हुए हैं अंदर दीक्षा बुक सेलर के पास, कुछ किताबें लेनी है बच्चों के लिए। बेसमेंट में बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ आस में, आप देख सकते हैं। तो पास में ही है दीक्षा बुक सेलर, जहाँ पर भाई लोग ले रहे हैं बच्चों के लिए किताबें। ये एरिया थोड़ा बेसमेंट में आता है, इसलिए यहाँ थोड़ा ठंडक है, बाहर की तपती धूप से यहाँ पे थोड़ा आराम मिल रहा है। लगता है कुछ किताबें हमें आज यहाँ पे मिल जाएंगी, 2-3 राउंड हमने यहाँ पे लगा लिए जब भी हल्द्वानी आते हैं, पता करके यहाँ से जाते हैं, लेकिन आज लगता है कुछ किताबें यहाँ पे मिल जाएंगी हमें। और भी बहुत सारी शॉप हैं इस बेसमेंट में, अंदर में हर प्रकार की शॉप है। तो लेते हैं यहाँ से किताबें बच्चों के लिए, फिर सीधे निकलेंगे अपने पहाड़ों के लिए। यहाँ की गर्मी कुछ अलग लेवल की है, और हमको इतना मज़ा आ नहीं रहा है इस गर्मी। तो दोस्तों अभी हमें हल्द्वानी की फेमस मटर गली के पीछे रामीला ग्राउंड है, तो वहाँ पर हम लोग हैं। गाड़ी हमने पार कर दी, और बहुत सारी यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो हमने फॉर्म लेना है यहाँ से। और इसके जस्ट यहाँ पर है हल्द्वानी की फेमस मटर गली, जहाँ की लस्सी, कपड़े वगैरह ये चीज़ें काफ़ी फेमस हैं, और उसी के पीछे है रामीला ग्राउंड। तो यहाँ पर सारी गाड़ियाँ पार कर दी, 40 रुपये पार्किंग किराया देना होता है, और गाड़ी आप पार कर सकते हैं। तो यहाँ से जाना है हमने मार्केट की तरफ, गद्दे वाला फॉर्म लेना है हमने। तो अभी हम घुस रहे हैं मटर गली में, लस्सी वगैरह पीने के लिए जा रहे हैं। तो सामने है लस्सी, लस्सी की शॉप, तो लस्सी पीते हैं एक एक। बाकी सामने रही है मटर गली, अभी मटर गली में मैं खड़ा हूँ।
बहुत सारी शॉप हैं, एक छोटी सी गली है। इधर देखिए जूतों की दुकान है, कपड़ों की दुकान है और दो तीन ऐसे फ्रूट्स की दुकान है, लस्सी वगैरह इन चीज़ों की। तो लस्सी वगैरह पीते हैं फिर निकलेंगे धीरे धीरे। तो मस्त लस्सी वस्सी पी ली मटर गली पर, काफ़ी टेस्टी लस्सी यहाँ पर मिलती है। कभी आते हो हल्द्वानी पे मटर गली पे जरूर आइए और लस्सी का स्वाद जरूर लीजिए। अभी हम एक शॉप पे हमने लेना है फॉर्म, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको बता रहा था मैं, ये वाला फॉर्म है जिसको हम यहाँ से ख़रीद रहे हैं। जो ये फॉर्म देख रहे हैं दोस्तों, ये आता है छत जब डालते हैं हम टिन वाली, तो उस पर नीचे फॉर्म बिठाया जाता है, उसके ऊपर फिर टिन डाली जाती है, तो उसी के लिए काम आता है। तो लेते हैं तो हल्द्वानी से सारे काम निपटा के हम चल दिए हैं अभी घर की तरफ। करीब 4 बजे का समय हो रहा है और एक साइड फिर जाम लगा हुआ है। देखिए जब तक पुल निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता रानीबाग वाला, तब तक ऐसे ही जाम लगते रह रहा है रोज। दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं, 4:30 बजे का समय हो रहा है। हम लोग हैं सलड़ी के पास में, मेरे पीछे है मस्त भुट्टे वाले की दुकान, तो भुट्टा खाने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। गाड़ी हमने सामने में पार कर दी और सामने मस्त भुट्टे की दुकान है। तो दोस्तों शाम के 6:02 हो रहा है और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कसेली मार्केट में। हल्द्वानी से आगे हैं, कसेली मार्केट में पहुंच गए हैं। गाड़ी वाड़ी हमने लगा दी, ढक दी है। बाकी अभी सनसेट नहीं हो रखा है, सामने मुक्तेश्वर घाटी, मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिए शाम के समय में। और इस तरफ काफ़ी खूबसूरत फॉरेस्ट, जो कल बारिश हुई उससे काफ़ी चार चांद देखने को मिल रहे हैं पर्यावरण में, पेड़ पौधों में खासकर। तो टाइम से पहुँच गए हैं, तो अपना जो भी सामान हमारे पास थोड़ा बहुत सामान है तो उसको लेके आप चलेंगे धीरे धीरे घर की तरफ को। बाकी मार्केट पे थोड़ा शाम की चहल पहल बनी हुई है। तो शाम का समय हो चला है और मैं जा रहा हूँ घर की तरफ को, और खूबसूरत प्यारे नज़ारे आ रहे थे शाम के समय में। देखिए काफ़ी खूबसूरत सनसेट व्यू देखने को मिल रहा है। तो इस खूबसूरत व्यू के साथ आपसे लेते हैं विदा, आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।